वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं बारान रहमत, तो यकीनन वो सेगमेंट जिसका आपको इंतज़ार रहता है. आज हिजरत मदीना का वाकया की भी बात हुई, इसके अलावा अंसारियों और महाजरीन के मवाखात का जिक्र, यानी ये वो एलिमेंट है जो अभी सबसे ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत है कि वो कंपैशन, वो हमदर्दी हो. आज हो सकता है हमारी जो डिस्टिंक्शन है वो ये नहीं कि कोई हिजरत करके आ रहा है या कोई अंसारी है. वैसे वो मिसाल भी पाकिस्तान की रियासत इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान कायम करती है, क्योंकि अगर हम देखें इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा नंबर है इंटरनली एंड इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड रेफ्यूजीज़ का. यानी हमने हमेशा से हमारे जो भाई हैं अफ़गानिस्तान से आप देखें, इसके अलावा आप बर्मा से देखें, जो लोग पूरी दुनिया के सताए हुए होते हैं पाकिस्तान में, उनको पनाह मिलती है, उनको मोहब्बत मिलती है, रोज़गार मिलता है. और आप हमारी 70 साल तारीख में देख लें, कोई एक भी हुकूमत ऐसी नहीं है जिसने इन महाजरीन के ख़िलाफ़ कुछ कहा हो या कहा हो कि ये हमारे खुदा न खासा इक्तसादियात पर बोझ हैं या इनके साथ हमारा कोई तफरका होना चाहिए. यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि इंटरनेशनल रेफ्यूजीज़ डेज पे हमने बाकायदा देखा कि इनके लिए स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं, इनको किसी तरह भी. और मैं जब बात करती हूँ अफगान यूथ से जो यहाँ पे पाकिस्तान में रही है, इन्होंने हमसे क्रिकेट सीखी. इसके अलावा अक्सर बच्चे बड़े प्यार से कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा मदरलैंड है, लेकिन हमारा जो होमलैंड है, जहाँ हमारा घर है, वो पाकिस्तान है. तो चलें इसी बात से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं आमिर भाई. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. आमिर भाई, आखिरी अशरा आ गया है और मैं यकीनन जब मवाखात की बात कर रही थी, आप देखें रहती दुनिया में यानी दौरे हाजिर में पाकिस्तान मवाखात की कितनी बेहतरीन मिसाल देता है विद द अफगान रेफ्यूजीज़. यानी इस वक्त 50 लाख से ज़ायद अफगान महाजरीन पाकिस्तान में पनाह गुजीन हैं और उनकी देखभाल करना, उनको लुक आफ्टर करना, बल्कि पिछले साल हमने ये भी देखा कि उनको बैंक अकाउंट खोलने की भी इजाज़त दी गई है, जो ताकि सबसे वल्नरेबल तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो सबसे कम पैसे ले रहा है, उनके लिए भी कुछ सेफ्टी नेट हो सके. क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक बहुत अच्छी खूबसूरत मिसाल बना है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह. और जैसा कि हम कहा करते हैं कि दुनिया की दो रियासतें, एक मदीना तैयबा और एक पाकिस्तान, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह एक ही नज़रिए और एक ही मकसद के तहत वजूद में आए थे. तो जिस तरह मदीना शरीफ में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहले तो जब आप तशरीफ़ ले गए तो वहीं मदीने में जो औस और खदरज थे वही आपस में दस्तो गिरेबा रहा करते थे, उनके दरमियान एक और इत्तेहाद नहीं होता था. लेकिन कमाल ये हुआ, मौजज़ा नबूवत ये हुआ कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ़ लाने से ये जो कलमा तौहीद है ना, तौहीद का अकीदा वहदत भी पैदा करता है. तो इस वहदत ने एक लड़ी में पिरो दिया. न सिर्फ ये कि अंसार के वो कबाइल जो कश्त खून बरसाते थे वो एक हो गए, बल्कि वो लोग जो रेफ्यूजीज थे जो मक्का से मदीना आए थे, जिनसे ना खून का रिश्ता था, ना रहन सहन का, ना माशरत, ना मीशत मिलती थी, लेकिन वो लोग भी उनके भाई बन गए. और हुजूर ने एक अंसारी को खड़ा किया, एक महाजर को खड़ा किया और दोनों को भाई भाई बना दिया. और फिर वो ऐसे भाई भाई बने कि जंग यरमूक में जब ये देखा गया कि एक जख्मी जख्मों से चूर है और वो पानी मांग रहा है, और जब मशकीदा लेकर पानी पिलाने वाला उसके पास जाता है तो उसे आवाज़ आती है कोई और दूसरा मांग रहा है, तो वो कहता है पहले उसे पिला दो. इस तरह 4 लोगों को पिलाया गया, और जब वो पहले के पास आया, चौथा फौत हो चुका था, जब पहले के पास आया तो वो भी शहीद हो चुके थे. तो ये जो ईसार का जज्बा है, कुरान करीम ने इसकी मिसाल दी है कि वह यूसरून आला अनफुसहिम वलव काना बिहिम खसासा, ये लोग अपने आप पर अपने इन मुसलमान भाइयों को तरजीह देते हैं अगरचे खुद ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं. तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात बहुत वैलिड है कि पाकिस्तान अगरचे इतना वसाइल से पूर्व मुल्क नहीं है, गुरबत की ज़िंदगी और गुरबत की एक लकीर के साथ साथ चल रहा है और एक बहुत बड़ा तबका नानजवी को मोहताज है, लेकिन इसके बावजूद जब कभी भी किसी भी मुल्क पर कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, हमारे शहरियों ने भी, रियासत ने भी उनके लिए अपनी सरहदों के दरवाजे ही नहीं खोले बल्कि दिल के दरवाजे भी खोल दिए. तो फिर इसका दूसरा नतीजा भी आना चाहिए, जो आपने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा कि होम टाउन और मदर टाउन. तो ये अमलन भी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहीं कहीं महसूस होता है. और अगर इसके साथ साथ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि वो लोग अपने हिस्से की मोहब्बत तो कर रहे हैं, हमें तो करना है, चाहे कोई करे या ना करे, लेकिन वो लोग जो बांग्लादेश में पाकिस्तान की जंग लड़ते रहे, अब भी वो वहाँ पर कस्मा पुरसी के आलम में जी रहे हैं, और फिर उनमें से एक बड़ा तबका जो पाकिस्तान आया
उनमें से बहुत सारे लोगों को अब तक हकूक हासिल नहीं हुए, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बनते, तो वो यही कहते हैं कि अफगानों के बन जाते हैं तो हमारे क्यों नहीं बनते। ये मेरे ख्याल में रियासती उमूर हैं, यकीनन इस पर भी कभी बहस करेंगे, लेकिन आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक यंगस्टर से जो वैसे तो स्टूडेंट हैं, लेकिन जिस तरह कहा कि मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल से सरशार ना सिर्फ हमारे नौजवान हैं, हमारे यहाँ मुल्क और कौम का हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स यही मोहब्बत और अकीदत रखता है। तो उन्होंने सोशल मीडिया पर जी एक हम पढ़ी एक नात पढ़ी जो इस वक्त वायरल हुई हुई है, बहुत लोगों ने पसंद किया इनकी आवाज़ को, तो हमने सोचा इनको भी हम दावत दें अपनी ट्रांसमिशन में। हमारे साथ मौजूद हैं उसैद जाहिद। अस्सलाम वालेकुम उसैद। उसैद क्या हाल चाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तुम्हारा क्लिप तो वायरल हुआ है, मुझे बताओ वैसे क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या मसरूफियात हैं, कहीं जॉब करते हो? नहीं, जॉब तो नहीं करता, मैंने अभी एफएससी क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। और बाकी जो है वो हम लोग जो है हमारा एक ग्रुप है, जैमिंग ग्रुप है। सही। तो वो हम लोग करते हैं। सही। अच्छा, थोड़ा सा माइक को तुम्हें अपने करीब करना पड़ेगा, लाउड बोलना पड़ेगा। उसैद मुझे बताओ कि ये जो क्लिप बनाया, ये किसी की फरमाइश थी, वैसे ही बैठे बैठे ख्याल आया, व्हाट वाज हैपनिंग, ये क्लिप कैसे बना था? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया भी कि हमारा एक जैमिंग ग्रुप है और हम कवर्स करते हैं। सही। तो रमज़ान में हम ये कर नहीं सकते थे, तो रमज़ान से पहले हमारी एक सेटिंग हुई जिसमें हमें जो है वो चीज़ें फाइनलाइज करनी थी आगे के लिए, ईद के बाद के लिए। सही। तो उसमें मैंने जो मेरे उसमें बॉयज़ हैं जो वीडियो में, उसमें मैंने इनको बोला कि मुझे एक प्रॉपर वीडियो करनी है जो मैं रमज़ान में इंशाल्लाह शूट करूँगा और मैं आप लोग रिव्यूज़ दें अपने कि मैं आप लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने वो परफॉर्म की और रेंडमली एक हमारे दोस्त ने जो है वो वीडियो बना ली, वो वीडियो बना ली। अब रमज़ान में मुझे इस वजह से टाइम नहीं मिला कि मैं तरावी पढ़ता हूँ, हाफिज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, तो तरावी पढ़ा रहा था, उस वजह से फिर कोई सिटिंग हो नहीं पाई, तो मैंने वही थोड़ी हल्की फुल्की एडिट करके वो रैंडम वीडियो डाल दी और वो बूम कर गई अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और ये मेरे ख्याल में इस कलाम की भी बरकत थी और आपकी जो मोहब्बत है, जो इश्क है, वो भी इसमें इससे सरशार है। तो यकीनन चाहेंगे उसैद हमारे व्यूअर्स के लिए भी अगर आप इसको लाइव दोबारा से इस कलाम को पेश करें तो बहुत खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हैं आका हादी हैं तमाम उम्मत के और रहनुमा हैं शरीयत के, अल्लाहु 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 अल्लाहु। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत प्यारा पढ़ा आपने। उसैद हमारे साथ रहिएगा और यकीनन आपसे भी हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी। एक नज़र जल्दी से डालते हैं जी किचन में, जहाँ पे बन रही थी ब्रेडेड ब्रेड, बल्कि तैयार भी हो गई, वाह भाई ज़बरदस्त। गज़ाला जी, हमने आज आपको वैसे किचन में लगाया हुआ है, मुझे ये बताएं जब हम एनर्जी की बात करते हैं, माशाल्लाह जैसे अभी उसैद ने अपना वाक्या शेयर किया कि सोचा था, एक इरादा था, लेकिन जब आप ओपन टू रिसीविंग होते हैं, देखो उसने घर में एक बड़े बड़े लोग लाखों रुपए की वीडियोस बनाते हैं, कभी वो हिट नहीं होती, लेकिन एक अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, एक बड़ी ऑर्गेनिक अपने सेलफोन से बनाई हुई वीडियो और वो पैगाम, वो सोच, वो जज्बा आगे तक पहुँच जाता है, इसमें एनर्जी को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि इन्ना माला मालो बिदियात, क्या कि आपके अमाल का दारोमदार आपकी नियत पर है। बेशक अगर आपका इश्क सच्चा है ना, तो वो एनर्जी डायरेक्ट ऊपर जाएगी। सही। ठीक है, कुछ लोग करते हैं चीज़ें दिखावे के लिए करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें आप पैसों के लिए करते हैं या फेम के लिए करते हैं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, अल्लाह को नहीं बना सकते। एब्सोल्युटली। और जो नसीब में आपकी होती है ना, आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ यू नो नसीब भी। आमिर भाई क्या कहेंगे, अगर आपकी किस्मत में शोहरत और पैसा है तो वो किस तरह आपके पास आएगा हमें नहीं पता, उसके लिए हमें सही गलत तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं है। से बहुत से काम होते हैं, लेकिन तकदीर बहरहाल गालिब आती है। बेशक बेशक। तो वो मौका होता है, आपने जैसा फरमाया जज्बा होता है, नियत होती है, और अल्लाह सुबहानहू व तआला वो टाइमिंग की सेटिंग होती है, वो खुद ब खुद ही हो जाता है फिर। बेशक। अच्छा जी, एक बहुत खूबसूरत वाक्य मुझे याद आ रहा है हज़रत अली करम अल्लाह वजहू का, लेकिन उससे पहले ज़रा ये देखें, वेरी गुड लुकिंग, यानी एक होता है ना खूबसूरत खूबसूरत पिज्ज़ा बॉम्ब्स बने हुए, ये उसके साथ सॉस भी है, ज़रा इसके बारे में तो बताएं। ओ गर्मा गर्म, वाह
जी. अच्छा, पहले तो इट वाज अ शॉक एंड अ सरप्राइज कि मैं आई और मुझे कुछ कहा कि बनाओ फौरन. तो आप यकीन करें, मैं हमेशा आपके साथ भी उसैद वाला हुआ है ना, उसैद की वजह से हमने अचानक से उससे कहा जरा सुनाओ, हम रिकॉर्ड करते हैं, आपके साथ भी वही किया हमने. तो आप याद रखें कि एक मेरी जिंदगी का असूल है कि हर 5-6 महीने बाद मैं कुछ नया सीखती हूँ. और ये आप अपनी जिंदगी के अभी असूल बना लें, उससे क्या होगा कि एक तो आपकी लाइफ बोरिंग नहीं रहेगी, आप दूसरों की बुराइयां करने से बचेंगे, आप उस टाइम में कुछ यूजफुल चीज सीखेंगे. और ये कभी ना सोचें कि यार ये तो मेरी फील्ड नहीं है, मुझे सीख के क्या मिलेगा. लेकिन आप यकीन करें, आपको हर नॉलेज हर इल्म जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आएगा. जैसे मैंने फर्स्ट एड का कोर्स किया, तो अभी एक हफ्ता पहले मेरी गाड़ी के सामने एक्सीडेंट हुआ. तो द फर्स्ट थिंग आई केम इन माई माइंड, स्टे काम. पहली चीज़ हमें सिखाई जाती है. जो एक्सपीरियंस होता है वो यकीनन आपको बहुत कुछ सिखाता है. गजाला जी ने ज़बरदस्त स्पेगेटी बनाई है, ब्रेडेड ब्रेड रेडी है, इसके आप टॉप शॉट्स देख चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे, इसके अंदर द सॉस इज़ देयर, द फिलिंग इज़ देयर. और जैसे मैंने कहा, ज़रा अच्छे वाले मेहमानों तो ज़्यादा फिलिंग डाल दीजिएगा, पसंद ना हो तो थोड़ा हल्का फुल्का चीज़ भी ना डालें, देखा जाएगा. मजाक कर रही हूँ, सबके साथ अच्छे से पेश आना है. गजाला जी वापस आती हूँ, लेकिन जो वाकया मैंने आपको बताया, जो मैंने आपसे शेयर करना था, आमिर भाई मुझे याद आ रहा है कि रिवायत है कि हज़रत अली करम अल्लाह वजहो कहीं का सफ़र कर रहे थे और उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत सवारी, एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था. तो रस्ते में उनके साथ एक बंदा हो लिया और क्योंकि वो खिदमत गुजार था, साथ जाना चाहता था, हज़रत अली ने उसको हमरा ले लिया. सफ़र बहुत तवील था और इन्होंने हज़रत अली ने, मौला अली ने ये फ़ैसला किया या एक गुमान किया कि जब मैं अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँगा तो इस शख्स ने मेरी इतनी खिदमत की है कि मैं इसको तोहफ़तन ये सवारी दे दूँगा. लेकिन उस शख्स की नीयत ख़राब हुई और बीच सफ़र में जब मौला अली थोड़ी देर के लिए उन्होंने गुनूदगी आई या वो आराम कर रहे थे, वो सवारी लेके वहाँ से गायब हो गया. तो उस वक्त हज़रत अली करम अल्लाह वजहो ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि ये इसी का माल था, इसके नसीब में था, लेकिन जो चीज़ इसको हलाल तरीके से मिल सकती थी उसको इसने हराम में तब्दील कर लिया. अब आमिर भाई यही सूरत हाल हमारे सामने आती है जब हम मौजूदा निज़ाम बैंकारी में, या आपके लिए खसूसी तौर पे जो सवाल आया है हमारे एक भाई का, सुमेर ने हमें लंदन से लिखा है कि जी सिदरा आप सूदी निज़ाम और उसकी बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला के इस पे ख़ास और बड़े क्लियर कट अहकाम हैं, लेकिन अगर हम यूरोप में रहते हैं और वहाँ का एक ख़ास सिस्टम है, वहाँ पर ना हम गाड़ी ख़रीद सकते हैं ना घर ख़रीद सकते हैं सिवाय उस सिस्टम का हिस्सा बने, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने मुल्क की बात करते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं. पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था. कायद आज़म हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए फरमाया था कि हम बिला सूद बैंकारी को रिवाज देंगे. वफाकी शरई अदालत ने इस पर बहुत काम किया, हर हुकूमत उस पर आकर स्टे लेती रही. ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान जो सदर मुमलिकत थे, उन्होंने 1984 में बाकायदा तौर पर यह बात डिक्लेयर की कि पाकिस्तान के पास सूद का मुतबादल निज़ाम मौजूद है और इस पर हम काम कर रहे हैं. स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी यही कुछ करवाया. इस्लामी नज़रती कौंसिल ने पूरी सिफारिशात पर मबनी एक बुक इस हवाले से तैयार कर रखी है. उस पर लिखा हुआ है, चश्मा है, सिर्फ सरकारी इस्तेमाल के लिए या उनके मुताले के लिए, तो आवाम की नज़रों से दूर है. अब हम आते हैं बरतानिया की तरफ. बरतानिया में भी बहुत से बैंकर्स ने गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त की है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि हमें बग़ैर सूद बैंकारी जारी करने के लिए आप इजाज़तनामा जारी कीजिए. और न सिर्फ ये बल्कि एक छोटा सा मुल्क है बांग्लादेश, जहाँ पर मोहम्मद यूनुस साहब ने ग्रामीण बैंक के नाम से बिला सूद बैंकारी का निज़ाम राइज किया. उन्होंने स्मॉल बिजनेसेस के लिए लोन दिए, वो उन्हें वापस भी मिले और उन्हें नोबल इनाम भी मिला है. फिर इसी तरह पाकिस्तान में लाहौर में अखुवत फाउंडेशन के नाम से एक इदारा है, वो भी यही काम कर रहा है. तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें एक मिसाल बनना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट की सतह पर भी, कौंसिल की सतह पर भी, कोर्ट की सतह पर भी और उलमाए कराम ने भी इस हवाले से अपना एक प्लान दिया है. यानी आपके तो ये कहने का मकसद है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है और यकीनन अल्टरनेटिव्स निकाले जा सकते हैं. इस पे हम मज़ीद भी बात करते हैं, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे. हमारे साथ उसैद भी मौजूद है, मैं इनसे गुजारिश करूंगी कि कुछ और भी एज अनदर कवर भी हमारे सामने पेश करें जो हमने शायद ऑनलाइन नहीं देखा है. लेकिन उसैद, फॉर देट आई गिव यू लिटिल टाइम टू प्रिपेयर. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं. And
एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं बारान रहमत. तो यकीनन वो सेगमेंट जिसका आपको इंतज़ार रहता है. आज हिजरत मदीना का वाकया की भी बात हुई, इसके अलावा अंसारियों और महाजरीन के मवाखात का जिक्र. यानी ये वो एलिमेंट है जो अभी सबसे ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत है कि वो कंपैशन, वो हमदर्दी हो. आज हो सकता है हमारी जो डिस्टिंक्शन है वो ये नहीं कि कोई हिजरत करके आ रहा है या कोई अंसारी है. वैसे वो मिसाल भी पाकिस्तान की रियासत इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान कायम करती है. क्योंकि अगर हम देखें इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा नंबर है इंटरनली एंड इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड रेफ्यूजीज़ का. यानी हमने हमेशा से हमारे जो भाई हैं अफ़गानिस्तान से आप देखें, इसके अलावा आप बर्मा से देखें, जो लोग पूरी दुनिया के सताए हुए होते हैं पाकिस्तान में उनको पनाह मिलती है, उनको मोहब्बत मिलती है, रोज़गार मिलता है. और आप हमारी 70 साल तारीख में देख लें, कोई एक भी हुकूमत ऐसी नहीं है जिसने इन महाजरीन के ख़िलाफ़ कुछ कहा हो या कहा हो कि ये हमारे खुदा ना खासा इक्तसादियात पे बोझ हैं या इनके साथ हमारा कोई तफरका होना चाहिए. यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि इंटरनेशनल रेफ्यूजीज़ डेज़ पे हमने बाकायदा देखा कि इनके लिए स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं, इनको किसी तरह भी. और मैं जब बात करती हूँ अफगान यूथ से जो यहाँ पे पाकिस्तान में रही है, इन्होंने हमसे क्रिकेट सीखी. इसके अलावा अक्सर बच्चे बड़े प्यार से कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा मदर लैंड है, लेकिन हमारा जो होम लैंड है, जहाँ हमारा घर है, वो पाकिस्तान है. तो चलें इसी बात से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं आमिर भाई. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. आमिर भाई, आखिरी अशरा आ गया है और मैं यकीनन जब मवाखात की बात कर रही थी, आप देखें रहती दुनिया में यानी दौरे हाजिर में पाकिस्तान मवाखात की कितनी बेहतरीन मिसाल देता है विद द अफगान रेफ्यूजीज़. यानी इस वक्त 50 लाख से ज़ायद अफगान महाजरीन पाकिस्तान में पनाह गुजीन हैं और उनकी देखभाल करना, उनको लुक आफ्टर करना. बल्कि पिछले साल हमने ये भी देखा कि उनको बैंक अकाउंट खोलने की भी इजाज़त दी गई है, ताकि सबसे वल्नरेबल तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो सबसे कम पैसे ले रहा है, उनके लिए भी कुछ सेफ्टी नेट हो सके. क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक बहुत अच्छी खूबसूरत मिसाल बना है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह. और जैसा कि हम कहा करते हैं कि दुनिया की दो रियासतें, एक मदीना तैयबा और एक पाकिस्तान, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह एक ही नज़रिए और एक ही मकसद के तहत वजूद में आए थे. तो जिस तरह मदीना शरीफ में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहले तो जब आप तशरीफ़ ले गए तो वहीं मदीने में जो औस और खदरज थे वही आपस में दस्तो गिरेबान रहा करते थे, उनके दरमियान एक और इत्तेहाद नहीं होता था. लेकिन कमाल ये हुआ, मौजज़ा नबूवत ये हुआ कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ़ लाने से ये जो कलमा तौहीद है ना, तौहीद का अकीदा वहदत भी पैदा करता है. तो इस वहदत ने एक लड़ी में पिरो दिया. न सिर्फ ये कि अंसार के वो कबाइल जो कश्तो खून बरसाते थे वो एक हो गए, बल्कि वो लोग जो रेफ्यूजीज़ थे जो मक्का से मदीना आए थे, जिनसे ना खून का रिश्ता था, ना रहन सहन का, ना माशरत, ना मीशत मिलती थी, लेकिन वो लोग भी उनके भाई बन गए. और हुजूर ने एक अंसारी को खड़ा किया, एक महाजर को खड़ा किया और दोनों को भाई भाई बना दिया. और फिर वो ऐसे भाई भाई बने कि जंग यरमूक में जब ये देखा गया कि एक जख्मी जख्मों से चूर है और वो पानी मांग रहा है, और जब मशकीदा लेकर पानी पिलाने वाला उसके पास जाता है तो उसे आवाज़ आती है कोई और दूसरा मांग रहा है, तो वो कहता है पहले उसे पिला दो. इस तरह 4 लोगों को पिलाया गया. और जब वो पहले के पास आया, चौथा फौत हो चुका था, जब पहले के पास आया तो वो भी शहीद हो चुके थे. तो ये जो ईसार का जज्बा है, कुरान करीम ने इसकी मिसाल दी है कि वह यूसरून आला अनफुसहिम वलऊ काना बहिम खसासा, ये लोग अपने आप पर अपने इन मुसलमान भाइयों को तरजीह देते हैं अगरचे खुद ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं. तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात बहुत वैलिड है कि पाकिस्तान अगरचे इतना वसाइल से पूर्व मुल्क नहीं है, गुरबत की ज़िंदगी और गुरबत की एक लकीर के साथ साथ चल रहा है और एक बहुत बड़ा तबका नानजवी को मोहताज है, लेकिन इसके बावजूद जब कभी भी किसी भी मुल्क पर कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, हमारे शहरियों ने भी, रियासत ने भी उनके लिए अपनी सरहदों के दरवाजे ही नहीं खोले बल्कि दिल के दरवाजे भी खोल दिए. तो फिर इसका दूसरा नतीजा भी आना चाहिए, जो आपने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा कि होम टाउन और मदर टाउन. तो ये अमलन भी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहीं कहीं महसूस होता है. और अगर इसके साथ साथ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, वो लोग अपने हिस्से की मोहब्बत तो कर रहे हैं, हमें तो करना चाहिए, कोई करे या ना करे, लेकिन वो लोग जो बांग्लादेश में पाकिस्तान की जंग लड़ते रहे, अब भी वो वहाँ पर कस्बा पुरसी के आलम में जी रहे हैं, और फिर उनमें से एक बड़ा तबका जो पाकिस्तान आया, उनमें से बहुत सारे लोगों को अब तक हुकूक हासिल नहीं हुए, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बनते, तो वो यही कहते हैं कि अफगानों के बन जाते हैं तो हमारे क्यों नहीं बनते. ये मेरे ख्याल में रियासती उमूर हैं, यकीनन इस पर भी कभी बहस करेंगे. लेकिन आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक यंगस्टर से जो वैसे तो स्टूडेंट हैं, लेकिन जिस तरह कहा कि मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल से सरशार ना सिर्फ हमारे नौजवान हैं, हमारे यहाँ मुल्क और कौम का हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स यही मोहब्बत और अकीदत रखता है. तो उन्होंने सोशल मीडिया पर जी एक हम पड़ी एक
रात पड़ी जो इस वक्त वायरल हुई हुई है, बहुत लोगों ने पसंद किया इनकी आवाज़ को, तो हमने सोचा इनको भी हम दावत दें अपनी ट्रांसमिशन में। हमारे साथ मौजूद हैं उसैद जाहिद। अस्सलाम वालेकुम उसैद। उसैद क्या हाल चाल है आपके? अच्छा, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तुम्हारा क्लिप तो वायरल हुआ है, मुझे बताओ वैसे क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या मसरूफियात हैं, कहीं जॉब करते हो? नहीं, जॉब तो नहीं करता, मैंने अभी एफएससी क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। और बाकी जो है वो हम लोग जो है हमारा एक ग्रुप है, जैमिंग ग्रुप है। सही। तो वो हम लोग करते हैं। सही। अच्छा, थोड़ा सा माइक को तुम्हें अपने करीब करना पड़ेगा, लाउड बोलना पड़ेगा। उसैद मुझे बताओ कि ये जो क्लिप बनाया, ये किसी की फरमाइश थी, वैसे ही बैठे बैठे ख्याल आया, व्हाट वाज हैपनिंग, ये क्लिप कैसे बना था? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया भी कि हमारा एक जैमिंग ग्रुप है और हम कवर्स करते हैं। सही। तो रमज़ान में हम ये कर नहीं सकते थे, तो रमज़ान से पहले हमारी एक सेटिंग हुई जिसमें हमें जो है वो चीज़ें फाइनलाइज करनी थी आगे के लिए, ईद के बाद के लिए। सही। तो उसमें मैंने जो मेरे उसमें बॉयज़ हैं जो वीडियो में, उसमें मैंने इनको बोला कि मुझे एक प्रॉपर वीडियो करनी है जो मैं रमज़ान में इंशाल्लाह शूट करूँगा और आप लोग रिव्यूज़ दें अपने कि मैं आप लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने वो परफॉर्म की और रेंडमली एक हमारे दोस्त ने जो है वो वीडियो बना ली। अब रमज़ान में मुझे इस वजह से टाइम नहीं मिला कि मैं तरावी पढ़ता हूँ, हाफिज़ भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो तरावी पढ़ा रहा था, उस वजह से फिर कोई सिटिंग हो नहीं पाई, तो मैंने वही थोड़ी हल्की फुल्की एडिट करके वो रैंडम वीडियो डाल दी और वो बूम कर गई अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और ये मेरे ख्याल में इस कलाम की भी बरकत थी और आपकी जो मोहब्बत है, जो इश्क है, वो भी इसमें इससे शार है। तो यकीनन चाहेंगे उसैद हमारे व्यूअर्स के लिए भी अगर आप इसको लाइव दोबारा से इस कलाम को पेश करें तो बहुत खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा आपने। उसैद हमारे साथ रहिएगा और यकीनन आपसे भी हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी। एक नज़र जल्दी से डालते हैं जी किचन में, जहाँ पे बन रही थी ब्रेडेड ब्रेड, बल्कि तैयार भी हो गई। वाह भाई, ज़बरदस्त। गज़ाला जी, हमने आज आपको वैसे किचन में लगाया हुआ है, मुझे ये बताएं जब हम एनर्जी की बात करते हैं, माशाल्लाह जैसे अभी उसैद ने अपना वाक़या शेयर किया कि सोचा था, एक इरादा था, लेकिन जब आप ओपन टू रिसीविंग होते हैं, देखो उसने घर में एक बड़े बड़े लोग लाखों रुपए की वीडियोस बनाते हैं, कभी वो हिट नहीं होती, लेकिन एक अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, एक बड़ी ऑर्गेनिक अपने सेलफोन से बनाई हुई वीडियो और वो पैगाम, वो सोच, वो जज्बा आगे तक पहुँच जाता है, इसमें एनर्जी को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि इन्नमल अमालु बिनियात, कि आपके अमाल का दारोमदार आपकी नीयत पर है। बेशक अगर आपका इश्क सच्चा है ना, तो वो एनर्जी डायरेक्ट ऊपर जाएगी। सही। ठीक है, कुछ लोग करते हैं चीज़ें दिखावे के लिए करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें आप पैसों के लिए करते हैं या फेम के लिए करते हैं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, अल्लाह को नहीं बना सकते। एब्सोल्युटली। और जो नसीब में आपकी होती है ना, आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ यू नो नसीब भी। आमिर भाई क्या कहेंगे, अगर आपकी किस्मत में शोहरत और पैसा है तो वो किस तरह आपके पास आएगा हमें नहीं पता, उसके लिए हमें सही गलत तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश से बहुत से काम होते हैं, लेकिन तकदीर बहरहाल गालिब आती है। बेशक बेशक। तो वो मौका होता है, आपने जैसा फरमाया, जज्बा होता है, नियत होती है, और अल्लाह सुबहान व तआला, वो टाइमिंग की सेटिंग होती है, वो खुद बखुद ही हो जाता है फिर। बेशक। अच्छा जी, एक बहुत खूबसूरत वाकया मुझे याद आ रहा है हज़रत अली करम अल्लाह वजह का, लेकिन उससे पहले ज़रा ये देखें, वेरी गुड लुकिंग, यानी एक होता है ना खूबसूरत पिज्ज़ा बॉम्ब्स बने हुए हैं, उसके साथ सॉस भी है, ज़रा इसके बारे में तो बताएं। ओ गर्मा गर्म, वाह जी। अच्छा, पहले तो इट वाज अ शॉक एंड अ सरप्राइज कि मैं आई और मुझे कुछ कहा कि बनाओ फौरन। हाँ। तो आप यकीन करें, मैं हमेशा आपके साथ भी उसैद वाला हुआ है ना, उसैद की वजह से हमने अचानक से उसे कहा जरा सुनाओ, हम रिकॉर्ड करते हैं, आपके साथ भी हुई थी हमने। तो आप याद रखें कि एक मेरी जिंदगी का उसूल है कि हर 5-6 महीने बाद मैं कुछ नया सीखती हूँ, और ये आप अपनी ज़िंदगी के अभी उसूल बना लें। उससे क्या होगा कि एक तो आपकी लाइफ बोरिंग नहीं रहेगी, आप दूसरों की बुराइयां करने से बचेंगे, आप उस टाइम में कुछ यूज़फुल चीज़ सीखेंगे, और ये कभी ना सोचें कि यार ये तो मेरी फील्ड नहीं है, मुझे सीख के क्या मिलेगा, लेकिन आप यकीन करें आपको हर नॉलेज, हर इल्म ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम आएगा। जैसे मैंने फर्स्ट एड का कोर्स किया, तो अभी एक हफ्ता पहले मेरी गाड़ी के सामने एक्सीडेंट हुआ, तो द फर्स्ट थिंग आई केम इन माई माइंड, स्टे काम, पहली चीज़ हमें सिखाई जाती है। जो एक्सपीरियंस होता है वो यकीनन आपको बहुत कुछ सिखाता है। गज़ाला जी ने ज़बरदस्त स्पेगेटी बनाई है, ब्रेडेड ब्रेड रेडी है, इसके आप टॉप शॉट्स देख चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे, इसके अंदर द सॉस इज़ देयर, द फिलिंग इज़ देयर, और जैसे मैंने कहा ज़रा अच्छे वाले मेहमानों तो ज़्यादा फिलिंग डाल दीजिएगा, पसंद ना हो तो थोड़ा हल्का फुल्का चीज़ भी ना डालें, देखा जाएगा, मजाक कर रही हूँ, सबके साथ अच्छे से पेश आना है। गज़ाला जी वापस आती हूँ, लेकिन जो वाकया मैंने आपको बताया, जो मैंने आपसे शेयर करना था, आमिर भाई मुझे याद आ रहा है कि रिवायत है कि हज़रत
हज़रत अली करम अल्लाह वजहो कहीं का सफ़र कर रहे थे और उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत सवारी, एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था। तो रस्ते में उनके साथ एक बंदा हो लिया और क्योंकि वो खिदमत गुजार था, साथ जाना चाहता था, हज़रत अली ने उसको हमरा ले लिया। सफ़र बहुत तवील था और इन्होंने हज़रत अली ने, मौला अली ने यह फ़ैसला किया या एक गुमान किया कि जब मैं अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँगा तो इस शख्स ने मेरी इतनी खिदमत की है कि मैं इसको तोहफ़तन ये सवारी दे दूँगा। लेकिन उस शख्स की नीयत ख़राब हुई और बीच सफ़र में जब मौला अली थोड़ी देर के लिए उन्होंने गुनूदगी आई या वो आराम कर रहे थे, वो सवारी लेके वहाँ से गायब हो गया। तो उस वक्त हज़रत अली करम अल्लाह वजहो ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि ये इसी का माल था, इसके नसीब में था, लेकिन जो चीज़ इसको हलाल तरीके से मिल सकती थी उसको इसने हराम में तब्दील कर लिया। अब आमिर भाई, यही सूरत हाल हमारे सामने आती है जब हम मौजूदा निज़ाम बैंकारी में, या आपके लिए खसूसी तौर पे जो सवाल आया है हमारे एक भाई का, सुमेर ने हमें लंदन से लिखा है कि जी सिदरा, आप सूदी निज़ाम और उसकी बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला के इस पे ख़ास और बड़े क्लियर कट अहकाम हैं, लेकिन अगर हम यूरोप में रहते हैं और वहाँ का एक ख़ास सिस्टम है, वहाँ पर ना हम गाड़ी ख़रीद सकते हैं ना घर ख़रीद सकते हैं सिवाय उस सिस्टम का हिस्सा बने, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने मुल्क की बात करते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था। कायदे आज़म हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए फरमाया था कि हम बिला सूद बैंकारी को रिवाज देंगे। वफाकी शरई अदालत ने इस पर बहुत काम किया, हर हुकूमत उस पर आकर स्टे लेती रही। गुलाम इसहाक खान जो सदर मुमलिकत थे, उन्होंने 1984 में बाकायदा तौर पर यह बात डिक्लेयर की कि पाकिस्तान के पास सूद का मुतबादल निज़ाम मौजूद है और इस पर हम काम कर रहे हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी यही कुछ करवाया। इस्लामी नजरती काउंसिल ने पूरी सिफारिशात पर मबनी एक बुक इस हवाले से तैयार कर रखी है, उस पर लिखा हुआ है, चश्मा है सिर्फ सरकारी इस्तेमाल के लिए या उनके मुताले के लिए, तो आवाम की नज़रों से दूर है। अब हम आते हैं बरतानिया की तरफ। बरतानिया में भी बहुत से बैंकर्स ने गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त की है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि हमें बग़ैर सूद बैंकारी जारी करने के लिए आप इजाज़तनामा जारी कीजिए। और न सिर्फ ये बल्कि एक छोटा सा मुल्क है बांग्लादेश, जहाँ पर मोहम्मद यूनुस साहब ने ग्रामीण बैंक के नाम से बिला सूद बैंकारी का निज़ाम राइज किया, उन्होंने स्मॉल बिजनेसेस के लिए लोन दिए, वो उन्हें वापस भी मिले और उन्हें नोबल इनाम भी मिला है। फिर इसी तरह पाकिस्तान में लाहौर में अख़ुव्वत फाउंडेशन के नाम से एक इदारा है, वो भी यही काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें एक मिसाल बनना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट की सतह पर भी, काउंसिल की सतह पर भी, कोर्ट की सतह पर भी, और उलमाए कराम ने भी इस हवाले से अपना एक प्लान दिया है। यानी आपके तो ये कहने का मकसद है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है और यकीनन अल्टरनेटिव्स निकाले जा सकते हैं। इस पे हम मज़ीद भी बात करते हैं, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ उसैद भी मौजूद है, मैं इनसे गुजारिश करूंगी कि कुछ और भी एज अनदर कवर भी हमारे सामने पेश करें जो हमने शायद ऑनलाइन नहीं देखा है। लेकिन उसैद, फॉर देट आई विल गिव यू अ लिटिल टाइम टू प्रिपेयर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बारान रहमत। और सबसे पहले ये कि हम जिस तरह बात कर रहे थे कि कोरोना ऑफ कोर्स एक रियलिटी है, नंबर्स अभी भी हमारे सामने ऐसा है कि सिचुएशन कम्प्लीटली इन कंट्रोल नहीं है, और उसी को देखते हुए स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी हम जाएंगे। 8 मई जो कि मुझे मेरी इतलात के मुताबिक लास्ट वर्किंग डे होगा, उसके बाद हो सकता है लॉकडाउन ज़्यादा सख्त हो। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि अपनी जो ख़रीदारी है, चाहे कपड़े हो, सामान हो, मेक श्योर दैट यू डू इट ऑन टाइम। और अगर आपको मज़ीद सपोर्ट चाहिए तो ग्रोसरी हो, कपड़े हो, या घर के लिए फर्नीचर या कोई भी और सामान, आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं ऑल फ्रॉम दराज दिस रमज़ान। सो ऑफकोर्स दराज हैज़ कम टू योर रेस्क्यू। कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए हो तो आप फ़ौरन दराज पे जाइए और तमाम सामान वहाँ पे मुहैया है आपके लिए, चाहे वो ग्रोसरी के आइटम हो, इफ्तार की कोई चीज़ हो, ईद की तैयारी करनी हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम होगी। हमारा आज का टॉपिक, हम बात कर रहे हैं सूदी बैंकारी के निज़ाम से, और ख़ास तौर पे आमिर भाई, हम सबको पता है कि सूद
आपकी लेन देन नहीं होने चाहिए। एक बड़ा बैंकारी का निज़ाम तो अपनी जगह है, लेकिन छोटे छोटे जो एक ज़माने में हम कहते हैं ना कि बरसग़ीर में बनिए हुआ करते थे, आज भी ये हकीकत है कि जो छोटा काश्तकार है उसको जो कर्ज़ा चाहिए, अगर उसके पास पेपर वर्क नहीं है तो वो किसी सरमायादार के पास जाता है, किसी बनिए के पास जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली एक इन ऑर्गेनिक और यू नो ग्रास रूट लेवल पर सूदी निज़ाम चला रहा है। अल्लाह ताला ने सूद के हवाले से क्या फरमाया है और क्यों इसको कहा गया, इसको इतनी सख्ती से मना किया गया? अल्लाह ताला ने तो इससे कुरान करीम में अपने और अपने रसूल के साथ जंग करार दिया है। और जब कोई कौम या कोई फ़र्द या कोई माशरा अल्लाह और उसके रसूल से बरसरे पैकार होता है तो वो कभी भी फला नहीं पा सकता, कभी भी पनप नहीं सकता। और यही वजह है कि आज सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो अपनी हलाकत के करीब पहुँच चुकी है और एक मसनू निज़ाम जिसके ऊपर ये खड़ी हुई है। कुरान करीम में फरमाया कि अल्लाह ताला ने सूद को जड़ उखाड़ दी है और सदक़ात को, नेकियों को, हलाल को वो प्रमोट करता है। युरबि सदक़ात, अब यहाँ भी जो रूट है वो रिबा वाला ही रूट है, लेकिन यहाँ रिबा हराम है, वहाँ रिबा हलाल है। अब देखिए असल में बात यह है कि जब अल्लाह पर यकीन ख़त्म हो जाता है, जैसे कि आपने अभी फरमाया था कि अली रज़ी अल्लाह तआला ने, उस वाक़े में थोड़ा सा चेंजिंग है जो असल रिवायत है, लेकिन उसका माक़सद वही है, मतलब वही है, मकसद वही है कि एक चीज़ तुम्हारे नसीब में लिखी है। और कहा जाता है, मैंने एक ट्रक के पीछे ये जुमला पढ़ा था कि नसीब से ज़्यादा नहीं और वक्त से पहले नहीं। और जो चीज़ आपके नसीब में अल्लाह ने लिख दी है, अगर वो आपके दो होंठों के दरमियान आ गई है तो भी आप उसे, अगर आपके नसीब में नहीं है तो आप खा नहीं सकते, इवन अंदर जाएगी और फिर वो मेट हो जाएगी। और जो आपके नसीब में है, अगर वो दो पहाड़ों के दरमियान है तो भी आप तक पहुंचेगी। और ये हम देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं। तो ये हमारे जो ग्रास रूट लेवल पर मोहल्लों में और मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में जो निज़ाम चल रहा है या गाँव देहातों में, कि जो चौधरी वडेरा या कोई साहूकार है वो सूद पर कर्जा दे रहा है, ये बहुत बड़ा एक वबाल है, इससे बचने की ज़रूरत है। और कानूनन तो इसकी इजाज़त भी नहीं है, लेकिन लोग कर रहे हैं। ये कैसा शिकंजा है, उससे निकल नहीं पाते फिर लोग, असल भी कभी नहीं अदा कर पाते, सूद पे सूद दिए चले जाते हैं और एक तरह से गुलामी है ये तो, फाइनेंशियली किसी को आपने जकड़ लिया। इसका जो गुनाह है, अगर वो गुनाह ही लोगों को पता चल जाए तो वो कोई कभी जानबूझ के सूद के करीब जाए नहीं। इवन ये कि मुझसे एक साहब ने कहा, एक आलिम दीन है, मैं बड़ा हैरान हुआ, उन्होंने कहा कि मैंने किताब लिखी है और लेकिन उसे प्रिंट कराने के मेरे पैसे नहीं है, तो क्या मैं बैंक से सूद पर ले लूँ पैसे? मैंने कहा साहब उस किताब को आग लगा दीजिए, जो किताब दीनी किताब जिसमें कुरान और सुन्नत के अहकामात होंगे वो आप सूद के पैसे उसे प्रिंट करवाएंगे, तो ये बिल्कुल नाजायज़ और बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये मॉडर्न चीज़ों में अक्सर हम देखते हैं कि यंगस्टर्स काफ़ी इसमें रिलैक्स भी फील करते हैं। उसैद माशाल्लाह तुम हाफिज़ कुरान भी हो और तुम्हारी एक अपनी रुखबत है, बट यू आर अ यंग पर्सन, तो आजकल के ज़माने में चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई छोटा आपको कर्ज़ा लेना हो अपना कारोबार करने के लिए, उसमें इंटरेस्ट लेवल्स आते हैं, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? अगर ऐसा मौका मिले तो बड़ा स्ट्रांगली सोचते हो कि नहीं ऐसे मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता, या कुछ लीवे बनाया हुआ है? मेरे ख्याल से जो है वो इंसान को जितने उसके पास ज़राए हों उसी में उसको कनात अगर करे वो, तो अल्लाह ताला जो है वो खुद जो है वो बरकत डालता है और उसमें जो मदद जो मिलती है वो जो है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। बहुत खूबसूरत बात कि अगर आप कनात करें और अल्लाह ताला से मदद की उम्मीद करें तो दस्ते गैब से आपकी मदद होती है और आपके उसूलों पे होती है। अगर आप ये समझें कि जी मेरे उसूल ऐसे हैं जिसका कोई मुझे लीवे नहीं मिल रहा, दूसरे उसके हामी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला आपकी पसंद का कोई ज़रिया कोई वसीला ज़रूर बना देंगे। गज़ाला जी आपसे भी गुफ्तगू करूँगी, मैं चाहूँगी कि उसैद को माइक अगर हम दे दें तो मैं उनसे कुछ कलाम सुनना भी चाहूँगी। हसीब बेटा अगर माइक आप दे दो उसैद को। अच्छा जी गज़ाला जी, जब हम ये बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि अच्छा जी हम इस बारे में बात करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब थ्रू आउट देखा जाता है कि लोग अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं और आपके पास भी काउंसलिंग के लिए आते होंगे, चाहे फाइनेंशियल बात हो या कोई और बात हो, तो आप क्या समझती हैं कि वो हेल्पलेसनेस से कैसे निकल सकते हैं? देखिए मेरा बहुत सिद्धरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। इस्लाम में भी यही है कि मकाफात का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि जो आप ज़िंदगी में दूसरों को देंगे वही मल्टीप्लाई, अल्लाह इज़ अ मल्टीप्लायर, हर चीज़ हमने बढ़ा के देता है। हम एक नेकी करें देखें उसका 10 गुना बढ़ा के वापस, आप कोई भी अच्छा काम करें 70 गुना उसका अजर अल्लाह ताला आपको लौटा रहा है। तो जब अल्लाह ने हमें चॉइस दे दी है तो फिर हमें ये समझ क्यों नहीं आता कि अगर हम कुछ बुरा भी करेंगे तो वो भी तो मल्टीप्लाई होगा।
बिल्कुल, तो चॉइस तो अल्लाह ने हम ही दी है ना। और मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ मोटिवेशन सिर्फ पैसे को बना दिया लोगों ने, उनको लगता है कि अगर हमें पैसे मिलेंगे तो हम काम करेंगे। आप किसी भी चीज़ को उस वक्त तक ना करें जब तक आप उसको करना नहीं चाहते। लेकिन जो पैशन है ना, जो एक उस चीज़ का शौक है, वो मस्ट है। अगर आप फर्ज करें आपकी एंकरिंग आपका शौक नहीं, सिर्फ आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होनी चाहिए, आपको शौक भी है। और मैंने आपको देखा है, आप माशाल्लाह बहुत रिसर्च करती हैं, और मैं आपको उस लास्ट शो में भी आपको मैंने बोला कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि बहुत कम ऐसे एंकर हैं जो अपना पूरा होमवर्क करके आते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप माशाल्लाह हर चीज़ पे, हर टॉपिक पे आपकी बहुत अच्छी नॉलेज है। दिस इज़ योर पैशन, क्योंकि आप, यू आर इन टू इट। जब आप किसी चीज़ को दिल से करेंगे ना, तो आप उसके लिए और जस्तुजू करेंगे जानने की। अगर हमें दीन से भी मोहब्बत होगी तो हम जानने की कोशिश खुद से करेंगे। हम किसी एक इंसान को आइडियलाइज ना करें, हम किताबों में जाएं, हम कुरान की को तर्जुमे से पढ़ें। देखिए, कुरान को सवाब की नीयत से नहीं पढ़ें, उसको हिदायत की नीयत से पढ़ें। जैसे कल भी हमारे यहाँ यौम अली का मौका था, तो एक बड़ा खूबसूरत बात की गई कि अगर अल्लाह ताला से, अगर, और ये हज़रत अली करम अल्लाह वजह का कॉल भी है, कि अगर मैं इबादत इस गर्ज से करूँ कि मुझे जन्नत मिल जाए तो ये ताजराना रवैया है, अगर दोजख के खौफ से करूँ अल्लाह ताला की इबादत तो ये गुलामाना तरीका है, लेकिन मैं अल्लाह की इबादत इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा माबूद इबादत के लायक है। तो वो जो मोहब्बत है, कंपैशन है, उनसियत है, उसको अपने अंदर उजागर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया गजाला जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आज तो हमने इनको दोहरी जिम्मेदारी दे दी। इसके अलावा जी उसैद हमारे साथ है, मैं चाहूँगी उसैद एक खूबसूरत सा कलाम जब हमें सुनाओ, और उसी के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं एक ब्रेक। यकीनन आप दुरूद और सलाम की इस महफिल को जारी और सारी रखे, हर वक्त अपने ज़बान को अगर हम मुअत्तर रखते हैं दुरूद पाक से, तो तमाम मुश्किलात हल हो जाती हैं। और यही पैगाम है इन आखिरी चंद अयाम का, यानी हमें एक बहुत ही मुबारक अशरा मिला है जिसमें यकीनन दोज़ख से निजात की भी बात कर रहे हैं। हमने पहले जिक्र किया कि कोविड के दौरान एहतमाम एतकाफ़ में बड़ी तब्दीली आई है। अब लोग घर में एतकाफ़ यकीनन इख्तियार किए हुए हैं, जो उनकी खिदमत गुजार हैं उन पर भी अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करें। यकीनन करी घरों में हर एक फैमिली मेंबर की अपनी अपनी एक ख़ास अहमियत होती है। अगर एक भी फैमिली मेंबर थोड़े दिनों के लिए अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, जो मटेरियल ड्यूटीज़ हैं, उससे दूर हो जाता है, तो बाकी घर वाले वो कमी ज़रूर महसूस करते हैं। लेकिन यकीनन अल्लाह ताला से लॉ लगाने का, ये कनेक्शन हासिल करने का भी एक ख़ास मज़ा है, और यही ख़ास दिन है। अच्छा जी, आपको बताते चलें कि जहाँ हम हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है छोटी छोटी तब्दीलियां बहुत ज़रूरी हैं। पंजाब ऑयल मिल्स की तरफ से जो नेचुरल ऑयल्स हैं उनके बारे में बताते चलें आपको। एक कंप्लीट रेंज है जी, जिसमें इनका कुकिंग ऑयल है, फ्री ऑयल ऑफ द फर्स्ट प्रेस, यानी जो हमारा एक देसी तरीका होता था कोलू के बैल से, कोलू वाला जो तेल होता था, बिल्कुल आपको वही रिफाइनमेंट मिलेगी इसमें। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे आपने देखा कि नेचुरल कुकिंग ऑयल मौजूद है, फिज़िकली प्रेस्ड है, केमिकल फ्री रिफाइनिंग है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव या आर्टिफिशियल कलर्स शामिल नहीं है। इसके अलावा जी इनका बनास्पति है जो कि ट्रांस फैट फ्री है, नॉन हाइड्रोजनेटेड है, केमिकल फ्री है, और वंस फर्स्ट एवर ट्रांस फैट फ्री बनास्पति अवेलेबल है जो कि पाकिस्तान में। इसके अलावा लास्ट एंड डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सरसों का तेल, ये तो जी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और खाने में अगर आपको एक ज़रा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर चाहिए, ख़ासतौर पर कुछ कुकिंग में एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपको चाहिए होता है, उसके लिए सरसों का तेल बड़ा कारामद होता है। और ख़ासतौर पर बताते चलें कि ये पाकिस्तान में बनाए हुए या पाकिस्तान में उगे हुए सीड से बनाया गया है, तो 100% पाकिस्तानी जी। और ये पंजाब ऑयल मिल्स की तरफ से नेचुरल ऑयल्स हैं, और आप देख सकते हैं हमारी किचन की रौनक बढ़ा रहे हैं, कल हम इनको रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, शामिल गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ मौजूद है अल्लामा मसूदी साहब भी। गुफ्तगू यहाँ पे हो रही थी सूदकारी निज़ाम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। कल भी ये जिक्र हो रहा था और आज भी कई सवालात इस नौरियत से आए हैं कि जो लोग मुल्क से बाहर मुकीम हैं और उनके पास कोई अल्टरनेटिव मौजूद ना हो, लेकिन दिल में एक खटका रहता है कि जी सूदी निज़ाम है जिसको लोग इंटरेस्ट कहें, प्रॉफिट कहें, नाम बदल जाता है, असल हकीकत उसकी वही है, उनके लिए आपका क्या मशवरा या सलाह होगी? देखिए, अहलुल बै व हराम रिबा, ये बात तो तय है कि एक चीज़ को खुदा वंदे आलम ने जिसे हराम कर दिया, अब वो यौम क़यामत तक हराम रहेगी, और जो हलाल है वो यौम क़यामत हलाल है। अब इसमें कोई तब्दीली आ नहीं सकती है, अलबत्त अब हालात और वाक़ियात के लिहाज से। लेकिन मैं एक बात और भी यहाँ ऐड कर दूँ कि फ़िक़्हे जाफ़रिया के लिहाज से जो सूद का मसला मुस्लिम्स का और है और नॉन मुस्लिम्स का और है, यानी उसमें थोड़ा फ़र्क रखा गया है। यानी सूद का कारोबार मुसलमान के दरमियान आपस में
नहीं है, यानी वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ कर के ये कि जहाँ पर जब इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है, कोई उसके पास ऑल्टरनेट नहीं मौजूद है, उसके पास कोई सलूशन नहीं है, तो ऐसी सूरत के अंदर उतना उलमा ने हलाल करार दिया है, उस हद तक की इजाज़त मिलती है। लेकिन फिर यहाँ एक दूसरी बात हो जाती है कि अब बैंकिंग निज़ाम भी बहुत एडवांस हो चुका है, क्योंकि देखिए हज़रत अली का वो कॉल भी यहाँ पर मैं नकल कर दूँ कि कूनू लिज़ालिमीन खस्मा लिलमज़लूम आउना। ये सूदी निज़ाम में सबसे अहम तरीन जो मसला था वो जुल्म का पहलू था, यानी किसी गरीब का इस्तेहसाल करके सर्वतमंद को मजीद सर्वतमंद बनाना। लेकिन क्या है, खुदावंद आलम ने बे को यानी कारोबार को वो तो हलाल करार दिया है, बल्कि फिर इसीलिए तशबी भी देने वालों ने ये तशबी दी कि भाई वो जो बे है यानी कारोबार है वो तो मिसले सूद होता है। नहीं, मिसले सूद नहीं होता, बहुत बारीकी है, हलाल और हराम में एक बहुत माइनर सा फ़र्क होता है। हम लोग इसको बहुत बाज़ोगत बड़ी चीज़ या अहमियत समझते हैं कि कोई बहुत भारी चीज़ होगी तो हम उसको हलाल या हराम कहेंगे, लेकिन मैं कहूँ मिसाल के तौर पे महरम और नामहरम का मसला, शादी का मसला, चंद अल्फाज ही तो हैं, वो हराम को हलाल में तब्दील कर देते हैं। या ज़बीहा के वक्त जब हम जानवर को गोश्त लेते हैं तो क्या है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, उसको हलाल कर दिया। यानी जो मसनून तरीके को बसा तरीका जो आदाब और सलीका खुदा ने बताया, इसी तरीके से बे के हवाले से फिर कारोबार में भी एक बात और भी मैं कह दूँ, हमारे मुसलमान थोड़ा सा कारोबार से दूर हो रहे हैं, मैं कहूँगा कि नहीं, कारोबार की इतनी तशवीक दिलाई गई है ये जिसको कहते हैं बे के मसले में कि खुदा बंदे आलम ने 10 हिस्से रिस्क जो दुनिया के रखे हैं उनमें से 9 हिस्से खुदा बंदे आलम ने कारोबार में रखा और एक हिस्सा रिस्क जो है ना वो नौकरी में रखा है, जबकि 90% लोग अपना रिस्क तलाश करते हैं उस में जा करके कि जो क्या है 1-10% है जिसको कहेंगे आप, एक हिस्सा है 9 में से 10 में से एक हिस्सा में, और वो लोग जो साहिबान सरवत हैं वो कहाँ रिस्क तलाश करते हैं, कारोबार में, वो क्या है एक यानी जिसको कहते हैं हिस्सा जो है यानी 10% 90% रेस्ट में से, इसलिए उनके यहाँ बरकत भी आपको मिलेगी। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि अब पाकिस्तान की हद तक और बहुत सारे इस्लामी ममालिक में और भी, जैसे कि खुद ईरान की भी मिसाल है कि वहाँ पे बैंकिंग निज़ाम को उन्होंने अब उसको तब्दील कर दिया है सूद से निकाल कर। लेकिन एक सवाल फिर जहन में आता है लामा साहब कि ये तो हम इंटरपर्सनल या एक बिज़नेस टू दूसरे बिज़नेस की बात करें, अमीर भाई अक़वाम आलम में यकीनन जैसे हम अगर कर्ज़ा लेते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएं या किसी और इस तरह के निज़ाम की तरफ जाएं, और अगर ना भी जाएं, दो इंटरनेशनल कंपनीज़ या दो इंटरनेशनल मुल्क अगर आपस में कोई मुआहदा कर रहे हैं, कोई कारोबार या कोई ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है एक अगर उसमें से मुस्लिम है दूसरा नॉन मुस्लिम है तो दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन सुनी जाएंगी, देखी जाएंगी और कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो क्या इस तरह की सिचुएशन में भी कंप्लीट ममानियत है? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता वरना कारोबारी ज़िंदगी आगे ना चलता। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जैसा कि अल्लामा साहब ने फरमाया कि कारोबार में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, और कुरान करीम की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यत्तकिल्लाहा, जो अल्लाह की खातिर बचता है यानी तक्वा अख्तियार करता है, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए हर तंगी परेशानी दुश्वारी और डिफ़िकल्टी से निकलने का रास्ता बनाता है, वयरज़ुक़ुहू मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे ऐसी जगहों से नवाजा जाता है जहाँ उसका गुमान भी नहीं जाता। अमूमन हमारे यहाँ उर्दू ज़बान में इतलाक होता है रिस्क का उन चीज़ों पर जो किचन से ताल्लुक़ रखती हैं या अकलो शर्ब की चीज़ें हैं, लेकिन ये अरबी का लफ्ज़ है और अरबी के अंदर रिस्क कहते हैं हर उस नेमत को जिसकी इंसान को एहतियाज होती है, बचपन से लेकर मौत आपकी औलाद भी उसमें शामिल है, सब कुछ, आपकी गाड़ी, आपका घर, हर चीज रिस्क में शामिल है। अच्छे लोग अगर आपको मुखलिस लोग मिलते हैं वो भी आपके रिस्क में शामिल है। जब आप अल्लाह का तक्वा इख्तियार करके सूदी कारोबार छोड़ते हैं, लेकिन जो हमारे इख्तियार में, कुरान ने कहा ना फत्तकुल्लाहा मस्ततअतुम, जहाँ तक तुमसे हो सकता है वहां तक तो तक्वा इख्तियार करो, तो जो अपने इंटरनल मामला हमारे इख्तियार में है हमें उसमें लेना चाहिए, एक स्टेप लेना चाहिए, एक जुर्रतमंदाना इकदाम करना चाहिए। और जो बैन अल-अक़वामी मुआहदे हैं, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कि दुनिया, जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी आके कहा था कि दुनिया हमसे कर्जा मांगेगी, वो दौर आ सकता है, लेकिन आप अमलन ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़िए इंशाल्लाह ताला,
और कोशिश कीजिए कि जो आप रियासत मदीना की बात करते हैं ये वाले वजीर आजम साहब ने कहा था। अलावा साहब एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि कई दफ़ा हम जब किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं यकीनन अल्लाह ने एक कानून हमारे सामने वाज़े कर दिया है, लेकिन एक शख्स के पास अपॉर्चुनिटी है, वो एक पिसे हुए किसान के बारे में सोचिए जिसके पास वही सारोकार वही चौधरी मौजूद है जिसने एक सूदी निज़ाम कायम किया हुआ है, और अगर उसके घर में फाके हो रहे हैं उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो वो क्या करे। यानी एक तरफ अल्लाह से जंग के मुतरादिफ है सूद पे कर्ज़ा लेना, दूसरी तरफ उसकी ज़रूरत भी है, उसका माश भी है, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, ऐसे शख्स को आप क्या मशवरा देंगे? ऐसे लोगों के लिए तो एक तरफ तो शरीयत ने साहिब सरवत लोगों से कहा है कि वो खैरात करें, सदकात करें, जो ज़कात का निज़ाम अल्लाह ताला ने दिया है वो ऐसा मुबारक निज़ाम है कि अगर ये निज़ाम वाकईतन राइज हो जाए और एक ऐसा बैतुल माल हो पाकिस्तान में जहाँ सबको कॉन्फिडेंस हो कि ये किसी सियासी जोड़ तोड़ में इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि गरीबों तक ही पहुँचेगा, क्योंकि हुक्म भी यही ना तो खुद मिन अग़निया अहम फतुरद्दु अला फ़ुक़रा अहम, कि उनके गरीबों से लिए जाए और उनके अमीरों पर अमीरों से लिए जाए गरीबों पर खर्च किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ ये भी मामला है कि कुरान ने खुद कहा फ़मन इस्तुर्रा ग़ैरा बाग़िन वला आदिन फ़ला इस्मा अलैह, अपनी जान बचाने के लिए अगर कोई लुक्मा हराम भी खा लेता है तो क्योंकि वो हालत इश्तरारी में है, गुनाह की नीयत नहीं है, बगावत की नीयत नहीं है, तो उसके लिए वहाँ इजाज़त है। मेरा जो इख्तलाफ होता है वो वहाँ होता है कि आपके पास एक सेकेंड हैंड कार मौजूद है लेकिन आपको शर्म आती है उसमें जाते हुए, तो आप चाहते हैं कि आप जो है वो सूद पर एक लग्जरी कार लें, तो लग्जरीज के लिए जाने के लिए ज़रूरत और आसाइश में फ़र्क होता है, अपनी नीड्स एंड डिज़ायर्स में फ़र्क करना सीखिए। जैसे उसैद ने भी बड़ी प्यारी बात की थी कि कनात को अगर आप अपनाते हैं तो ऑटोमेटिकली कई चीज़ें और कई खुराफात से आप दूर रहेंगे। लाम साहब इसमें अगर आप कुछ इजाफा करें, यहाँ पे हजरत अली का ये कॉल जिस हवाले से आपने कहा कि कनात बेहतरीन सरमाया, हजरत अली ने फरमाया क्या है, कनात बेहतरीन सरमाया है, और ये सरमाया क्या होता है, मसलन माल में जेब में माल होना, तो अगर मुझे कोई चीज़ लेनी है महंगी है मेरे पास पैसे कम है मैं कनात कर दूंगा तो मैं सरमायेदारी रहूँगा, इसलिए वो खर्च नहीं होगा। यानी ये खुद एक फलसफा है पूरा कि आप अपनी जिसकी तरफ क़िबला ने भी इरशाद फरमाया कि देखिए आप अपने स्टैंडर्ड को अपने हिसाब से बड़ा कीजिए। ये जो इफरात और तफरीत माशरे में आती है असल में बिगाड़ उसकी वजह से पैदा होता है। अगर हम सिर्फ बैलेंस रखें और जहाँ तक ये गाड़ी वगैरह या ये चीज़ें लेना ज़रूरत ठीक है वो एक बिल्कुल बात सही है कि जितनी आपकी ज़रूरत है उतना रखिए, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा तब्दील करके उसको कारोबारी अंदाज से उसी गाड़ी के खरीदो फरोख्त को कर ले तो उसके लिए तरीका मौजूद है इस्लाम ने। लामा साहब बहुत खूबसूरत आपने बात की जी। ये जो बैनुल अक्वामी मसला है वो मैंने पहले अर्ज कर दिया था कि यहूद और नसारा से और मुसलमान से कारोबार का यानी जो बे का मसला है और रिबा का मसला है थोड़ा फ़र्क है उसमें आपकी टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट दोनों तरफ मुख्तलिफ हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको राह रास पे चलने की और जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है जो उनकी तालीमात पे चलने की तौफीक अता करे, हम सबको हिदायत दे। बहुत बहुत शुक्रिया लामा साहब और आमिर भाई आपके यहाँ पर मौजूदगी का, और यकीनन आखिर में एक दफ़ा फिर के जी एहतियात बहुत ज़रूरी है कोविड की इस सिचुएशन में, तो अगर आपकी ग्रोसरी है, कपड़े हैं या घर का कोई भी फर्नीचर या सामान है आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं All from Daraz this Ramzan। ये एक ख़ास पैगाम है उनके लिए कि एहतियात आप करते रहें, ज़रूरी नहीं है, बाहर रश भी होगा और आगे मुतवक्के स्मार्ट लॉकडाउन भी है, तो हो सकता है आपकी मनपसंद दुकान बंद हो, आपका चक्कर भी ज़ाया हो जाए, आप ट्रैफिक को इतना ब्रेव करके वहाँ पे पहुँचें और आपके हाथ कुछ ना आए, तो घर बैठे सहूलत का इस्तेमाल कीजिए, दराज पर ऑर्डर कीजिए, जो कुछ आपको चाहिए रमज़ान में आपके पास आपके डोर स्टेप पर आएगा। इसी के साथ जी आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इन ख़ास सातों में इन आखिरी अयाम में रमज़ान के हमें भी अपनी दुआओं में शामिल रखिए, मेरी पूरी टीम यकीनन एक साथ मिलकर तमाम इन सिचुएशंस को हैंडल करती है, वर्क प्रेशर को हैंडल करती है, उनको भी अपनी दुआ में याद रखिए। और चलते चलते उसैद एक दफ़ा फिर मुझे ये भी पता चला है तुम जुनेद जमशेद साहब का जो कलाम है और उनकी जो रेंडिशंस है उसको बहुत खूबसूरती से पेश करते हो, लेकिन अगैन बिकॉज इट्स माई लास्ट बिट तो मैं चाहूँगी कि अपनी पसंद का कोई कलाम आप हमें